जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अब हर चीज़ ऑनलाइन मिलने लगी है। कोई भी सामान हो, आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कीजिए और फिर वो आपके घर आ जाता है। तो वही सब देखते हुए मैंने एक अपना प्लांट ऑनलाइन बाय किया था, जो कि अब मेरे घर पे देखिए आ गया। मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये अभी मैं जब पूरा खोलूँगा तो आप देख लेंगे ये किस चीज़ का प्लांट है। तो ऑनलाइन प्लांट्स लेना काफ़ी अच्छा भी रहता है। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है, काफ़ी दूर है, तो आप ऑनलाइन भी प्लांट मंगा सकते हैं। अनबॉक्सिंग ये देखिए इस तरीके से आप करें। ये देखिए, ये मैं एक चीकू का प्लांट मंगाया था, जो कि ये देखिए इसकी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप कोई भी प्लांट मंगाते हैं तो कम से कम एक हफ्ते में तो आपके घर आ जाता है, क्योंकि जब आप ऑर्डर करेंगे तो वो 3 से 4 दिन लेता है उसी में। फिर ये देखिए इस तरीके से आप इसको खोल लें, और ये देखिए इनकी पैकिंग काफ़ी अच्छी रहती है ये प्लांट्स की। ये देखिए कुछ इस तरीके से प्लांट तो ऊपर से काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। तो अभी देखिए मैं आपको पूरा इसको दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए इस तरीके से आप ये जो बाधा रहेगा इसे खोल लें। फिर ये एक मोटे से दफ्ती से या फिर कार्टून के उससे लगा हुआ रहता है पूरा प्लांट पे। तो ये देखिए इसे मैं पूरा हटा दिया। फिर इसके नीचे पॉली बैग जो है वो भी काफ़ी अच्छे से देखिए प्लास्टिक से कवर है, तो इसे भी मैं अब रिमूव करूँगा पूरा। ये देखिए हमारा चीकू का प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी है, वो देखने में भी आपको लग रहा होगा कितना हेल्दी प्लांट है ये। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऑनलाइन प्लांट परचेस किया कीजिए, अगर आपके घर के पास नर्सरीज नहीं हैं। तो ये देखिए ये प्लांट मेरा आ गया। ये तकरीबन मुझे 240 का पड़ा है। ये 200 का प्लांट है और 40 रुपीज़ जो है ये डिलीवरी चार्ज लगता है, तो वो है। ये अगर आप ऑनलाइन प्लांट मंगाएं या तो कहीं से भी नर्सरी से प्लांट लाएं, तो उसे कम से कम 1-2 दिन अपने घर में रख दें, फिर उसके बाद अपने गार्डन में कहीं भी लगाएं। क्योंकि आपके जब क्लाइमेट में वो प्लांट एकदम अच्छे से घुल जाएगा तो फिर उसका सर्वाइव करने में काफ़ी अच्छा रहेगा उस प्लांट को। तो ये देखिए ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है और ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। ये अब मैं इसे आपको इसी वीडियो में ज़मीन में लगा के भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं इसे अब आपको लेके चलता हूँ जहाँ मैं इसे लगाऊंगा। ये मेरे गार्डन में एक तरफ छोटा सा ये छोटा सा क्यारी थी, तो इसी में मैं लगाऊंगा इसे। ये देखिए इस तरीके से आप इसकी ये जो पॉली बैग है इसे आप काट दें इस तरीके से, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि पॉली बैग बचा लें तो उसमें दूसरा प्लांट लगा लें तो आपका प्लांट थोड़ा हिल उल सकता है। तो अगर ऐसे ही आप इसे काट के हटा देंगे तो आपका एकदम अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए इसकी लाल मिट्टी है, ऊपर से भी आप थोड़ा मिट्टी इसकी हटा सकते हैं इस तरीके से फोड़ के, और हल्का हल्का जब इसकी मिट्टी क्रैश कर देंगे तो फिर जब अपनी सॉइल में लगाएंगे तो इसको जड़ पकड़ने में काफ़ी आसानी होगी जो भी आप मिट्टी में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कर दें, काफ़ी टाइट मिट्टी है, ये रेड वाली सॉइल है। तो ये देखिए अब मैं इसे लगा दे रहा हूँ। ये एकदम अच्छी मिट्टी आप पहले से तैयार रखें, उसमें गोबर की खाद हो और जो जो मटेरियल होता है वो सारा मिला लें। फिर इस तरीके से कम अच्छा खासा उसमें गड्ढा खोद के फिर आधा ग्राफ्टिंग पोर्शन बस दिखाई दे उतना इसको मिट्टी में दबा दें। ये देखिए इस तरीके से ये ग्राफ्टिंग पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है उतना मैं छोड़ के और बाकी सारा इसमें दबा दूँगा। तो ये देखिए एकदम सीधा प्लांट लगाएंगे तो आगे चल के सीधा जाएगा। ये हाइब्रिड वाला चीकू था जो मैं मंगाया था इस वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो मेरी, और काफ़ी अच्छी रही मेरी ऑनलाइन परचेजिंग। तो आप भी मंगाइएगा ऑनलाइन प्लांट्स। ये चीकू का था और हर तरह का जितना प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट सारे आ जाते हैं। कोई कोई प्लांट ख़राब निकलता है लेकिन ज़्यादातर तो सब अच्छे ही निकलते हैं प्लांट। ये देखिए ये मैं लगा दिया और अब मिट्टी को बराबर कर दिया। लगाने के बाद आप इसमें पानी भी दे सकते हैं भर के, फिर ताकि आपका प्लांट एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप चैनल के साथ